नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। इस वक्त जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच घमासान देखने को मिल रहा है, ऐसा घमासान कि जहां राजस्थान की मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, ये सवाल सामने आया। जवाब साफ था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने ऐसा खेल खेला कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात करते वक्त इस तरह से यकीन दिलाया कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। और साथ ही दिल्ली से राजस्थान वापस लौटते हुए, जयपुर लौटते हुए उन्होंने संकेत भी दे दिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा और कोई नहीं बनेगा। आपको बता दें कि पायलट की बगावत को लेकर, 102 विधायक को लेकर अभी तक उन पर तंज कसा जाता है और उन्हीं 102 विधायकों को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की, बातचीत की, मीटिंग में उन 102 विधायकों का नाम लेकर यहां पर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ भड़का दिया है। सचिन पायलट सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट इस पर एक्शन लेंगे? क्या सचिन पायलट इस पार्टी को छोड़ देंगे? क्या सचिन पायलट इस्तीफा देकर नई पार्टी में शामिल होंगे? क्या सचिन पायलट जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी से सचिन पायलट के पास ऑफर आया है, खुद से ऑफर आया और पिछले साल से ऑफर चलता आ रहा है कि सचिन पायलट जैसे नेता को हमारी जरूरत और हमें भी उस नेता की जरूरत है। आपको बता दें, कई साल से अपनी ईमानदारी दिखा रहे सचिन पायलट इस पार्टी में अपने परिवार समझ कर परिवार में योगदान देते हैं, परिवार की सहायता करते हैं, परिवार के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन यहां कभी भी उस परिवार ने सचिन पायलट को अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा। और इसका साफ सबूत दिखाई देता है जब सचिन पायलट पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ देते हैं, कांग्रेस के लिए विपक्ष पर तानापोशी करते हैं, उन पर ताना मारते हुए नजर आते हैं, विपक्ष के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, तो उस बीच सचिन पायलट को कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के विवादित बयान के बाद भी सचिन पायलट हमेशा युवाओं को शांत करते हुए, युवाओं को बताते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के युवा ऐसे हैं जो सचिन पायलट को काफी सपोर्ट करते हैं, हालांकि लाइव सेशन में कहते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी के नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के युवा नेता वो सचिन पायलट को पर्सनली बहुत पसंद करते हैं, सचिन पायलट की काम को पसंद करते हैं। बल्कि आज के लाइव सेशन की बात करें तो आज भी बोलते हुए नजर आए कि सचिन पायलट को हम पसंद करते हैं, सचिन पायलट का काम पसंद करते हैं। सचिन पायलट जिस तरह से काम करते हुए, अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं, तो हमें उनकी ये आदत बहुत पसंद है और सचिन पायलट किसी भी पार्टी में जाए हमें पसंद है। तो यहाँ पर सचिन पायलट के लिए उनके समर्थकों की तरफ से एक चीज तो साफ हो गई कि सचिन पायलट किसी भी पार्टी में जाए उन नेताओं को, उन विधायक, उन युवाओं को, उन आम जनता को मंजूर है कि सचिन पायलट किसी भी पार्टी में जाकर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी को इसी बात का डर है कि अगर सचिन पायलट किसी और पार्टी में चलेगा तो उस पार्टी को राजस्थान से पूरा सपोर्ट मिल जाएगा और राजस्थान में हमारी सरकार गिर जाएगी। एक और बात आपको बता दें कि ये डर राहुल गांधी सहित सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को भी सताता है कि अगर सचिन पायलट इस पार्टी से निकल गए तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी डूब जाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर सचिन पायलट को पार्टी से निकलने नहीं देते, बल्कि कोई ना कोई छोटा मोटा पद सौंप कर यहाँ पर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ सचिन पायलट भी ये चीज नहीं समझ रहे कि उन्हें खुद निकालने की मंशा बनाई जा रही है। हालांकि सचिन पायलट ईमानदारी की तरीके से यहाँ पर हर पद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिलहाल सचिन पायलट सोचे बैठे थे कि अब उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलेगा, यानी कि अब जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद होगा वो उन्हीं के नाम होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर अशोक गहलोत जब लौटे तो संकेत दिए कि कोई भी मुख्यमंत्री से पद से पद इस्तीफा नहीं दे रहा, यानी कि अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे, वो इसी पार्टी में शामिल रहेंगे। यहाँ अशोक गहलोत ने दावा तो कर दिया है, पर सचिन पायलट के लिए मुश्किलें सामने आन पड़ी है। सचिन पायलट के लिए समर्थकों की तरफ से एक यही इशारा है और यही कहना है कि सचिन पायलट को ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जाना चाहिए जहां उन्हें इज्जत मिले, वो इज्जत जो वो डिजर्व करते हैं। आपको बता दें कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट इस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो यहाँ बीजेपी राजस्थान में बहुत जल्दी अपना जो है मौका देख सकती है और बीजेपी यहाँ पर शामिल हो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी जो है राजस्थान में अपना अच्छा मौका भी देख सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी पूरी कोशिश में है कि राजस्थान की सियासत बिगड़े और बीजेपी अपना मौका राजस्थान में देखे। हालांकि आपको बता दें कि सचिन पायलट ही की ही वजह से कांग्रेस राजस्थान में आई थी लास्ट बारी। ये बात खुद हमारे कमेंट सेक्शन में दर्शकों ने बताया, उन फैंस, उन समर्थकों ने बताया सचिन पायलट की, वो बोलते हुए नजर आए कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल था कांग्रेस के लिए, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट के चेहरे पर कुछ ही वोटों से, कुछ ही विधायकों की गिनती से
सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस वहां पर अपनी जगह बना पाई है, और अगर सचिन पायलट का चेहरा नहीं होता है तो यहां पर वो हार जाएगी। और सचिन पायलट को जरूर ये दिखाना है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी हर कोई इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की सियासत गर्मा रही है, यहां अगर सचिन पायलट ने एक बार झटका दे दिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस के हाथ में राजस्थान की सरकार भी नहीं बचेगी। हालांकि गुजरात में पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस, जहां आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कर रही, तो उसी बीच कांग्रेस अपना वहां पर मौका देखने की कोशिश कर रही, हिमाचल प्रदेश देखने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तमिलनाडु में राहुल गांधी पहुंचकर वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए रैली निकाल रही है, लेकिन यहां पर जिस तरह से सचिन पायलट की कोशिश जारी है, सचिन पायलट यहां से इस्तीफा दे सकते हैं। और आपकी हम राय जरूर जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या सचिन पायलट को इस्तीफा देना चाहिए या वो इस्तीफा दे देंगे, क्या आपकी राय लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी बीच हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कई ऐसी बातें हुई, यानी कि ऐसी चीजें जहां मीडिया से बात करते वक्त एक दूसरे के लिए संकेत देते हुए बोलते हुए नजर आए। तो देखिए पीछे पीछे सर 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 चेहरे पे अरे आराम से अरे तोड़ दो सचिन क्या रहा आपकी मीटिंग आराम से भाई मोबाइल लीजिए करो आगे अरे कैमरा पीछे कर रहा यार बड़ा शांति मोबाइल नीचे करो ना भाई मेरा नहीं है ठीक है और भाई खड़ा हो गया यार संग्राम हुआ राजस्थान के अंदर भाई टीवी लाइन नीचे करो राजस्थान से मैं चर्चा करी और मैं मानता हूँ अरे आगे कैमरा पीछे करो ना यार आगे मुंह के अंदर डाला हुआ है सुनने दे और हम सब यही चाहते हैं हम मेहनत करते हैं 2023 का विधानसभा चुनाव जीते उसके लिए हमको मिलकर काम करना और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय डिसीजन लेना है कांग्रेस पार्टी देंगी सबका एक ही उद्देश्य है कैसे हम सब साथ मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत करकर दोबारा ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।